गुजरात में तमाम मुद्दों के बीच अब नीच कांड पर बवाल शुरू हो गया है। मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री मोदी को नीच कहा। बवाल के बाद मणिशंकर अय्यर ने माफी मांग ली। कांग्रेस ने भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। वडोदरा में एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मणिशंकर अय्यर का बयान देश के 125 करोड़ लोगों का अपमान है। योगी का यह भी कहना है कि गाली देकर माफी मांगना काफी नहीं है, ये कांग्रेस की सामंतवादी सोच को दिखाता है। आप योगी से एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा की एक्सक्लूसिव बातचीत देखिए। यूपी के सीएम और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ गुजरात में चुनाव प्रचार पर हैं और अब बहस हो रही है नीच और नीच किस्म की राजनीति को लेकर के। बात करते हैं यूपी के सीएम से। ये तो आपको पता चला होगा, कल जब आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं मणिशंकर अय्यर को पार्टी से सस्पेंड भी कर दिया गया, अब तो बात ख़त्म हो जानी चाहिए बीजेपी की तरफ से। देखिए, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी की गई है, ये सचमुच कांग्रेस के संस्कारों को प्रदर्शित करता है। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम वैचारिक मतभेदों को व्यक्तिगत दुश्मनी में निकाल करके और सामान्य शिष्टाचार भी भूल जाएं, ये अत्यंत खेदजनक है। ये पहली बार नहीं हो रहा है। मणिशंकर अय्यर इससे पहले भी इस प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कर चुके हैं और कल जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है, केवल एक मोदी जी के प्रति नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी इस देश के आइकॉन हैं और ये देश के 125 करोड़ की आबादी का अपमान है। पर तो माफ़ी मांग ली गई, पार्टी से निकाल भी दिया गया। देखिए, सवाल ये है कि आप पहले किसी को गाली दें और उसके बाद पब्लिक की प्रतिक्रिया को देखते हुए, जब पूरा गुजरात और पूरा देश मोदी जी को अपने हीरो के रूप में देख रहा है और गुजरात का ये चुनाव गुजरात के गौरव के साथ और गुजरात के गौरव के प्रतीक आदरणीय मोदी जी हैं, तो कांग्रेस केवल अपने उन गलतियों को पश्चाताप करने के लिए नहीं बल्कि तात्कालिक लाभ के उद्देश्य से उसने ये किया है। पर आप लोग भी और बीजेपी के नेता भी तो राहुल गांधी को पता नहीं क्या क्या बाबर और अलाउद्दीन खिलजी के परिवार से। कुछ भी अपनी ओर से नहीं हुआ है, सामान्य बातचीत मुद्दों पर तथ्यों पर आधारित ही चर्चा हम लोगों ने की है। कोई भी इस प्रकार के संसदीय शब्द का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं होता है, न हुआ है, क्योंकि कांग्रेस को हम कहीं भी इस लड़ाई में नहीं मानते। ठीक है, उसको कुछ लोगों के द्वारा दिखाने का प्रयास किया जा रहा हो, लेकिन सामान्यतः जब कांग्रेस लड़ाई से बाहर है, लोग तो कह रहे हैं कांटे की टक्कर है गुजरात में इस बार। मुझे लगता है कि तो कल प्रथम चरण का चुनाव है ही और 18 को रिजल्ट आ ही रहे हैं। जनता का रुझान गुजरात के विकास के लिए जो कार्य आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो आप कह रहे हैं गुजरात मॉडल की बात, लेकिन मैंने आपके भाषणों में सुना आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं, आप राहुल गांधी के मंदिरों में जाने की बात कर रहे हैं। भाई, ये चीज़ें आएंगी। एक तरफ आप राम जन्मभूमि मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में डे टू डे की सुनवाई को टलवाने के लिए एड़ी चोटी लगाते हैं, एक और आपकी जब सरकार थी उस समय आपने श्री राम और श्री कृष्ण के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़े किए थे, और दूसरी तरफ मंदिर जा करके आप जनता को भरमाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, भारत की जनता बहुत प्रबुद्ध है, बहुत जागरूक है, हर चीज़ को जानती है, और चुनाव के समय मंदिर जाने के इस पाखंड पर मुझे विश्वास। आखिरी एक चीज़ पूछूंगा कि बीजेपी की तरफ से अभी मणिशंकर को पार्टी से निकालने पर भी बात खत्म नहीं मानी जाए? देखिए, मणिशंकर अय्यर का जो वक्तव्य है ये अपमानजनक है, शर्मनाक है। इस प्रकार की टिप्पणी के लिए मुझे लगता है कोई जगह नहीं होनी चाहिए। यह कांग्रेस की उस सामंतवादी मानसिकता को प्रदर्शित करता है जिस वंशवादी परंपरा की आज प्रति कांग्रेस बन चुकी है, और समाज में सामान्य लोगों के प्रति कांग्रेस के क्या भाव हैं इसको प्रदर्शित करता है। मुझे लगता है इस प्रकार के निंदनीय वक्तव्यों को हर व्यक्ति को भर्त्सना करनी चाहिए।
योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं कि नीच राजनीति वाली बात पर बात अभी खत्म नहीं होती है और गुजरात के चुनाव में अब यही सबसे बड़ा एजेंडा बन चुका है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, वडोदरा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।